इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक किसान अपनी ही फसल को ट्रैक्टर से रौंद रहा है। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक तस्वीर बिहार से देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ये तस्वीरें हैं यूपी के शामली की, जहां एक किसान की गोभी मंडी में ना बिक पाने के कारण सड़ गई, जिससे परेशान होकर उसने खेत में करीब 1,00,000 रुपए की गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। पीड़ित किसान रमेश ने हमें बताया कि उसने खून पसीने से अपने खेत में करीब 5 बीघा शानदार गोभी की फसल उगाई थी। पिछले दिनों वो गोभी के 76 कट्टे दिल्ली मंडी में बेचने के लिए ले गया था, लेकिन वहां पर कई दिन तक भी उसकी गोभी नहीं बिक पाई, जिस कारण गोभी सड़ गई। वहीं अन्य मंडियों में उसकी गोभी को केवल 1 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा गया, जबकि गोभी की खेती को तैयार करने के लिए 4 से 5 हजार रुपए प्रति बीघा का खर्च आता है। सुनिए रमेश के दिल का दर्द। क्या नाम है आपका? रमेश। ये आपने गोभी बाधी अपने खेत में, क्यों भाई? जब बिकती नहीं कहीं से भी, 1 रुपया किलो बिक्री कहीं से बिकती नहीं, ना दिल्ली बिकी, 76 कट्टे भेजे थे, 1 पैसा नहीं आया दिल्ली से। कब भेजे थे ये? कई तारीख होगी शायद। क्यों नहीं बिक्री? पता नहीं क्यों नहीं बिक्री, क्या बात हो रही। तो कितना बीघा थी ये गोभी आपकी? ये 5 बीघे गोभी थी हमारी। कितनी कितनी कीमत की होगी ये? कम से कम 1,00,000 रुपए की कीमत की थी। आपने बाधी है? बाधी ट्रैक्टर से, और क्या करते जब कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। अच्छा, जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसानों के लिए, क्या मानते हैं इससे नुकसान होगा किसान को, फायदा होगा? नुकसान ही होगा किसान को, फायदा क्या होगा? अभी मौजूदा समय में भी नुकसान हो रहा है। हाँ, तो क्या मांगते हैं? वहाँ दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का, सही है आंदोलन? आंदोलन सही है उनका। कानून वापस होने चाहिए तीनों? कानून वापस होने चाहिए तीनों। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा सहित अन्य बड़े शहरों में फूल गोभी 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा पत्ता गोभी 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम ग्राहकों को बेची जा रही है। अगर खेतों में कड़ी मेहनत का ये परिणाम निकलेगा तो किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की फसल पर 2 गुना लाभ होने की बात कही थी। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।